सो so फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप फाइव बेस्ट ब्लॉगर टेम्पलेट के बारे में इसमें जितने भी हम टेम्पलेट आपको बताएंगे ये बहुत ही अच्छी टेम्पलेट होगी और ये एसियो फ्रेंडली टेम्पलेट है इसमें आप एडसेंस भी लगा सकते हैं अपलेट मार्केटिंग भी कर सकते हैं अफलेट का लिंक भी दे सकते हैं कोई भी आपके साइट पर इफेक्ट्स प्रॉब्लम नहीं होगी बस सरते आपको एक काम करनी होगी इस वीडियोज को लास्ट तक देखिए इसमें बहुत सारे टेम्पलेट के बारे में आपको बताएंगे पांच टेम्पलेट के बारे में बताएंगे जिससे कि अगर आप अपने ब्लॉगर वेबसाइट पर इंसर्ट कर देते हैं तो इसे अपने ब्लॉगर वेबसाइट पर अपलोड करते हैं या लगेगा कि वर्ड प्रेस बनाया हुआ उस तरह का वेबसाइट क्योंकि यह इतना अच्छी अच्छी टेम्पलेट हम आपको दे रहे हैं थीम से आपको बताएंगे देंगे तो कई चले हम लोग वीडियोज को आगे कंटिन्यू करते हैं और हाँ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए तो यहाँ पे चले जाते हैं तो टेम्पलेट में जैसे ही हम लोग आते हैं तो यहाँ पे देखिए पहला जो टेम्पलेट है यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए नीट्रो ब्लॉग एन एटीआर ब्लॉक के नाम से है यहाँ पे टेम्पलेट और यहाँ पे इस टेम्पलेट की बात करें तो यहाँ पे में एडवर्टाइजमेंट लगाने के लिए गूगल एड्स का एड लगाने के लिए या फिर यहाँ पे आप कोई भी अफलेट लिंक या बैनर लगा सकते हैं आप यहाँ पे कोई भी बैनर या अफलेट लिंक लगाते हैं देन यह भी काफी ज्यादा अच्छी होगी क्योंकि यहाँ पे अफलेट बैनर लिंक लगाते हैं तो यहाँ पे क्या होती है कि सबसे हेडिंग में टॉप में दिखते वहाँ पर क्लिक होने की ज़्यादा चांसेस रहती है तो आप यहाँ पे एडसेंस कार्ड लगा सकते हैं या फिर कोई भी फ्लेट जैसे मैं ब्लू होस्ट या फिर होस्टिंग जर्ड से चाहे कोई भी अदर अफ्लेट लिंक या फिर अफ्लेट लिंक का बैनर लोगो लगा सकते हैं लोगो पोस्टर लगा सकते हैं काफ़ी इससे अच्छा रिस्पांस आता है इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे मेनू दिया हुआ पे देखिए मेनू है यहाँ पे जो कि काफी अच्छी मेनू है इस तरह अगर आपको ब्लॉगर में डिजाइन करना होगा तो खुद से आप डिजाइन कर नहीं पाएगा क्योंकि उसमें बहुत सारे कोडिंग्स आपको करनी पड़ेगा जो कि आपसे मेरे हिसाब से नामुमकिन ही है स्टार्टिंग से लेवल में ठीक है इसके अलावा यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये आपका पोस्ट सेक्शन हो गया जो कि आपको जिस तरह पोस्ट का सेक्शन यहाँ पे सेट कीजिएगा वहां पर आपको दिखाई देगा वहाँ पर डिपेंड करता है आप किस तरह का पोस्ट सेक्शन यहाँ पे सेट करते हैं ठीक है और यहाँ पे ज्यादा इसमें सेट नहीं किया हुआ यहाँ पे देखिए यहाँ पे फेसबुक का लिंक लगा हुआ है और यहाँ पे चाल आप अपने यहाँ पे यूट्यूब चैनल का लिंक लगा सकते हैं इन्वाइड कर सकते हैं एक्चुअली में इन्वाइड क्या हुआ है इसके अलावा यहाँ पे देखिए कैटेगोरीज एंड टैग दिया हुआ है इसे आप चेंज भी कर सकते हैं और यहाँ पे देखिएगा फुटर में दिया हुआ फुटर में कुछ पोस्टर दिया हुआ है कैटेगोरीज एंड एक सेक्शन दिया हुआ है कि रिसेंट पोस्ट इन स्पोर्ट्स आप इस तरह कैटेगराइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगे उस तरह आप इस तरह अपने अकॉर्डिंग से कैटेगराइज कर सकते हैं राइट चलिए हम लोग दूसरा टेम्पलेट के बारे में देख लेते हैं तो जो दूसरा टेम्पलेट है वहां पे हम अभी बताते हैं आपको यहाँ पे देखिए इसका नाम है बनिया फास्ट इसका इस टेबलेट्स का नाम है बनिए फास्ट यह भी टेबलेट्स काफी अच्छे जैसे मैं पिछले बार टेबलेट में पहले एक टॉप हेड हेडर दिया हुआ था तो इसमें भी है लेकिन यह व्हाइट कलर में यहाँ पे देखिए व्हाइट कलर में हेडिंग दिया हुआ है इसके अलावा यहाँ पे हम आपको बता दें यहाँ पे भी आप ऐड लगा सकते हैं यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे भी आप ऐड लगा सकते हैं आप गूगल कार्ड लगाइए फिर कोई भी आप बैनर ऐड लगाइए या आपकी मर्जी है यहाँ पे देखिए टॉप मेनू बार दिया हुआ जो कि काफ़ी अच्छी है और सेम सेम टू तो सेम यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट दिया हुआ इस तरह आपका जूम लेवल होगा एनिमेटेड किया हुआ है यहाँ पे ऐड आप, आपको जो भी आप ऐड जिस तरह का लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं ऐड जो कि यह भी ऐड काफ़ी अच्छी है और इसके अलावा यहाँ पे देखिए पोस्ट कैटेगोरीज भी काफ़ी बड़े बड़े कैटेगरीज देख रहा है अगर यहाँ पे ऐड लगाते हैं तो यहाँ पे ऐड की एड भी बहुत ही लंबा ऐड दिखेगा जो कि काफ़ी लंबा ऐड पे क्लिक होने के चांसेस ज़्यादा रहता है तो यहाँ पे डिपेंड करता आप है आप किस तरह इसको कस्टमाइज करते हैं सर ठीक है और ये इसको आप जितने ब्लॉग रहेगा उतना ही यहाँ आप पर आपको मेन्यू पेज आ जाएगा इससे आप अप डाउन अप डाउन कर सकते हैं इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो चलिए अगर इसे इस डाउनलोड करना होगा तो लेना होगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल्स को जो ज्वाइन कर लीजिए इसके अलावा हम लोग तीसरा टेम्पलेट पे चलेंगे तो यहाँ पे देखिएगा हेलियो हेलियो टेम्पलेट का नाम है हेलियो हेली क्यूब भी कह सकते हैं यहाँ पे, पे देखिएगा तो ये बहुत ही सिंपल में टेम्पलेट है लेकिन इसमें भी एड्स लगा हुआ जैसे मैं देखिएगा तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे मेनू दिया हुआ इसके बाद में यहाँ पे देखिएगा हेडर में मेनू है और यहाँ पे सर्च बार दे दिया ऊपर में ही और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट ऐड लगाने का ऑप्शन मिल गया और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ब्लॉग पोस्ट दिख रहा है जो कि काफी यूनिक ब्लॉग पोस्ट है यहाँ पे आपको कैटेगोरीज कैटेगोरीज दिख रहा है फीचर्स कैटेगोरीज जो भी है कुछ लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे देखिए हेडर और यहाँ पे आपका मैटर है इससे लिखा हुआ दिख रहा है और यहाँ पे पेज है यानी कि कितने आर्टिकल्स अगर सिंगल पेज में नहीं हट रहा तो सेकेंड थर्ड फोर्थ यहाँ पे देता है बुलेट टाइप के तो वो भी देता ही है सब में लगभग लगभग इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे देखिएगा यह भी ऐड्स लगाने का ऑप्शन देख रहा है यहाँ पे फीचर्स एड्स फीचर पोस्ट का है इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे फूटर है तो इसमें थोड़ा मोड़ा आप कस्टमाइज कर सकते हैं इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अभी जो भी लुक्स है वो काफ़ी अच्छी फैटेस्टिक लुक्स है इसके अलावा हम लोग देखते हैं पचवें नंबर का चौथे नंबर का जो एड है वह है द एम मिलिया मिलीना द एड मिलीना है तो यह भी काफ़ी अच्छे टेम्पलेट है इसमें भी आप हेडर में यहाँ पे देखिए ऐड लगा सकते हैं मेनू दिया हुआ यह भी मेनू दिया हुआ इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा तो यह जो टेम्पलेट दिया हुआ है ना तो इसमें साफ, सबसे अच्छा यूनिक क्या है कि इसमें बीच में स्पेस दिया हुआ है यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे बीच में स्पेस दिया हुआ है यहाँ पे स्पेस दो पोस्ट के बगल में स्पेस दिया हुआ और ये सारे पोस्ट का बहुत ही यूनिक साइज दिया हुआ है जो कि काफी अच्छी दिख रहा है और यहाँ पे एक ऐड भी लगा सकते हैं आप ऐड लगा लीजिए और यहाँ पे कैटेगोरीज है जो पोस्ट है वह आपका दिखेगा सबसे प्लस पॉइंट यह है कि आपको सोशल लिंक लगाने का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे ऐड स्पेस दिया हुआ है यहाँ पे आप एड लगा सकते हैं पॉपुलर पोस्ट यहाँ पे देखिए यूट्यूब का भी चैनल्स को लिंक कर सकते हैं यहाँ पे बहुत सा अच्छी यहाँ पे क्वालिटी एंड इफेंस दे रहा है तो आप इस तरह भी काम कर सकते हैं जो कि अभी काफी अच्छी फैंटेस्टिक है या भी टेम्पलेट जब तक आप खुद से इसे नहीं देखिएगा तब तक आपको इसके बारे में पता नहीं चलेगा तो खुद से देखने के लिए आपको क्या करने पड़ेगी आप बसते आप इस आपको इस टेम्पलेट्स को डाउनलोड करनी है अपने वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करनी है उसके बाद में काम करनी है तो उसके लिए बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं करनी है टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कीजिए वहाँ से आपको यह टेम्पलेट सब देखने को मिल जाएगा एंड इस वीडियोज का लास्ट यानी कि ला, इस वीडियोज का लास्ट टेम्पलेट जो कि है फाइनेंस फाइनेंस के नाम से टेम्पलेटे है जो कि यहाँ पर देखिएगा फाइनेंस के नाम से है जो कि काफ़ी यूनिक है यहाँ पे भी देखिएगा तो यहाँ पे भी हेडर में ऐड लगाने का ऑप्शन आपको दिख जाएगा इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे मेनू दिख जाएगा इसके अलावा यह काफ़ी यूनिक लग रहा है जो कि देखिएगा तो यहाँ पे जूम लेबर एनिमेटेड किया हुआ है तो यह भी काफ़ी अच्छा हमको लगा इसके अलावा यहाँ पर भी ऐड लगा सकते हैं आप और डाउन 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 यहाँ पर देखिए प्रोफेशनल्स लेवल का यहाँ पे आपको दिख रहा है ठीक है जो कि इसकी इमेज क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है एंड यहाँ पे देखिए सोशल प्लगइन्स पॉपुलर पोस्ट और यहाँ पे यूट्यूब चैनल्स का लिंक लगा सकते हैं आप फेसबुक फेसबुक का भी यहाँ पे फेसबुक का पोस्ट का लिंक दे सकते हैं पेज का जो भी आपका पेज लिंक है वहाँ पे यहाँ पे इन्वाइट कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं जो कि ब्लॉगर में आप टेम्पलेट का जब एडिट कीजिएगा कस्टमाइज कीजिएगा वहाँ पे आपका सेक्शन आ जाएगा और यहाँ पे देखिएगा तो ये वाला अच्छा काफ़ी इसका फुटर काफ़ी अच्छे डिजाइन किया हुआ है जो कि आप फ्री में इसे आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं यहाँ पर सर्च बार भी दिया हुआ है लेबल उबल सब चीज़ काफ़ी यूनिक है दिया हुआ है और यहाँ पे आपके वेबसाइट को सब डिस्क्राइब करने का भी ऑप्शन यहाँ पे दिखा हुआ है तो आप इसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है टोटली फ्री है सारे के सारे